नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में। मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। इस वक्त की बड़ी खबर किसान आंदोलन से जुड़ी हुई आ रही है। दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर पुलिस द्वारा बाड़ेबंदी की जा रही है, सीमाओं पर बैरिकेडिंग भी कर दी गई है। सीमेंट के बड़े बड़े बैरिकेड बना दिए गए हैं और साथ ही सड़कों पर कील लगाई जा रही है जिससे आवाजाही बिल्कुल बंद हो जाए। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं जिस तरीके से आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं, ऐसे में बैरिकेडिंग लगातार यहां पर की जा रही है। पुलिस बल मुस्तैद कर दिया गया है। दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर किसानों का आंदोलन बीते दो महीने से जारी है। गणतंत्र दिवस के दिन हुई हिंसा के बाद सरकार की ओर से कड़ा रुख बरता जा रहा है। दिल्ली की सीमाओं पर पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए अभूतपूर्व इंतजाम भी कर लिए गए हैं। ऐसे में दिल्ली पुलिस की ओर से गाजीपुर बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर पर तैयारियां लगातार की जा रही है। यहाँ सीमाओं पर बैरिकेडिंग की गई है, सीमेंट के बड़े बड़े बैरिकेड बना दिए गए हैं, सड़कों पर कील लगाई जा रही है जिससे कोई भी ट्रैक्टर वहां से ना निकल पाए। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, ऐसे में पूरी सुरक्षा यहां पर कर ली गई है, 12 लेयर की बैरिकेडिंग की गई है। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया आप तक लगातार पहुंचा रहा है, जहां पर दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर पुलिस द्वारा बाड़ेबंदी की जा रही है, सीमाओं पर बैरिकेडिंग भी की गई है, सीमेंट के बड़े बड़े बैरिकेड बना दिए गए हैं जिससे अब दिल्ली की तरफ किसान कूच नहीं कर पाएंगे। ऐसे में सुरक्षा के जो इंतजाम हैं वो यहां पर अच्छी तरीके से देखने को मिल रहे हैं। 26 जनवरी को जो घटना हुई थी वो फिर से दोहराई ना जा सके, इसके लिए अब दिल्ली पुलिस बेहद सतर्क नजर आ रही है, जिसके चलते यहां पर पूरे इंतजाम भी कर लिए गए हैं। कोई भी चूक ना हो इसके लिए भारी सुरक्षा बल मौके पर मुस्तैद कर दिया गया है।